बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ असद और आप लोग देख रहे हैं किचन 21 के 21 पर। और उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और ये टाइम ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर घर में चाय का दौर होता है, चाय बन रही होती है, बहुत सारे लोग चाय पी चुके होते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मौसम कोई भी हो, फिक्स 5 बजे चाय बन जाती है। बहुत सारे घरों में कोई टाइम नहीं होता, जब दिल चाहता है बन जाती है। तो लेकिन बहरहाल इस टाइम आप अगर चाय पी रहे हैं तो बिल्कुल उसको इंजॉय कीजिए और साथ साथ आप रेसिपीज़ भी इंजॉय कीजिएगा। आज आपके साथ हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं और पहली रेसिपी हम बनाएंगे बेकिंग है। और बेकिंग में आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा कोको के साथ हम बना रहे हैं चॉकलेट केक, ठीक है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपी है। रमज़ान में हमारे एक कॉलर ने रिक्वेस्ट की थी, बल्कि 2-3 कॉलर ने कहा था कि मिक्स सब्ज़ी की रेसिपीज़ बताएं। तो आज इंशाल्लाह मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज भी हमारे पास SAC मौजूद है और SAC के एसेंस के साथ हम बनाएंगे अपना केक। और उसके साथ सेकंड जो हमारी रेसिपी है उसमें भी हम यूज़ करेंगे सैक की, यानी कि SAC की। मेरे पास यहाँ चिकन पाउडर मौजूद है, उसके साथ हम पिंक सॉल्ट यूज़ करेंगे SSC का, और सैलानी के तमाम स्पाइसेस, और उसके साथ और यहाँ पर सोया सॉस और सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये और इसके साथ जितने भी स्पाइसेस हैं वो हम सब यूज़ करेंगे स्पाइसेस सैलान के। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेकिंग। और आज के जो हम केक बना रहे हैं उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लीजिए, साथ साथ आपसे बात होगी, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल आप हमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और कोशिश होगी कि वो रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा जी, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इसमें आज के केक के लिए 2 कप हमें चाहिए मैदा। 2 कप मैदे के साथ हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब कोको पाउडर, ठीक है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे चीनी। चीनी आप पिसी हुई भी यूज़ कर सकते हैं और बग़ैर पिसी हुई भी यूज़ कर सकते हैं, 1 कप। 2 अदद हम यूज़ करेंगे इसमें अंडे। SAC का चॉकलेट एसेंस हम यूज़ करेंगे इसमें 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून हम यूज़ करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर, ठीक है जी। ये हमारी आज की रेसिपी है जो हमने इंग्रेडिएंट्स आपको बता दी हैं। और अब स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर क्योंकि मेरे पास फोटाइल का ओवन मौजूद है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको मैंने अप एंड डाउन ऑन कर दिया। टेम्परेचर जो है वो इसको टाइम मैं दे रहा हूँ, इसको तकरीबन 30 मिनट्स देते हैं, और टेम्परेचर हम दे देंगे इसको तकरीबन 180। फोटाइल का ओवन हमने ऑन कर दिया है, इसी तरह जो माइक्रोवेव है वो भी फोटाइल का है, टच स्क्रीन है, ठीक है। और फोटाइल के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे ओवन है, माइक्रोवेव है या और हॉब्स हैं जो भी, तो सब बेस्ट क्वालिटी हैं, बेहतरीन क्वालिटी है। और मेरा साथ तो फोटाइल के साथ बहुत पुराना है, आप समझ लीजिए कि तकरीबन 15 साल से मैं फोटाइल के साथ जो है इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, और बेहतरीन आप कह लें कि प्रोडक्ट्स हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये इस लिहाज से बहुत बेहतरीन है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक के जितनी भी चीज़ें हैं हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास सारी की सारी मौजूद हैं एनएक्स की। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हैंड मिक्सर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी हम एनएक्स का यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा एनएक्स की बहुत सारी प्रोडक्ट्स मेरे पास पीछे भी रखी हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 अदद हमने यूज़ करने हैं अंडे, ठीक है, और ये दूसरा, चल 2 अदद अंडे हमने बीट कर लिए, और इसको अब हम बीट करते हैं।
अदद अंडों को हमने बीच किया और उसके बाद अब इसमें मैं शामिल करूंगा जनाब मक्खन या ऑयल, ठीक है। और ये मैं यूज़ करूंगा तकरीबन हाफ कप के करीब। अच्छा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है, अंदाज़ा है, इसलिए मैंने ऐसे ही डाल लिया, लेकिन आप इसको मेजर करके डालिएगा। मैंने चीनी एक कप यहाँ मेजर करके रखी हुई है, ये हमने ऐड कर दी है। और अब तीनों चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। अब आपने देखा कि हमारे पास अंडे, चीनी और उसके साथ ऑयल, ठीक है, ये देखें फ्लफी हो गए हैं। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, चीनी भी डिसॉल्व हो गई है, सब चीज़ें हमारे पास यहाँ डन हो गई हैं। अब बारी है इसमें हम शामिल करेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर के साथ ही मैं यूज़ करूँगा बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर जो है वो आपने यूज़ करना है 2 टीस्पून। लेकिन एक चीज़ देखिएगा फोकस, आप ये इतना भर के आपने नहीं डालना है, ठीक है। टीस्पून जो है वो आपने क्या करना है, इतना भरना नहीं है, बल्कि इसको ऐसे लेवल करेंगे। ये देखिए, ये है 1 टीस्पून लेवल्ड, ठीक है। तो ये हमने डालने हैं 2 टीस्पून ऐसे लेवल करके। अगर इस तरह भर के डाल देंगे तो वो फिर आपका केक क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ इसमें हम डाल दें मैदा, 2 कप मैदा हमने डाल दिया। और अब इसमें हम डालेंगे SAC का हम यूज़ कर रहे हैं चॉकलेट एसेंस, और कोई भी एसेंस जो है आपके माइंड में जो भी फ्लेवर आता है उन सब का एसेंस जो है SAC के पास मौजूद है। और इसमें गरम मसाले का एसेंस भी है, उसके अलावा चिली एसेंस भी है, कार्डिमम का है, यानी कि हर चीज़ का आपको इसमें फ्लेवर एसेंस मिल जाएगा। आप तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना है बैटर को, ताकि तमाम बैटर जो है मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर इसमें मैं शामिल करूँगा थोड़ा सा पानी, नॉर्मल टैप वाटर डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना, ठीक है। तकरीबन मैं ये यूज़ कर रहा हूँ 1/4 कप, ठीक है। 1/4 कप से लेके 1/2 कप तक आप पानी इसमें ऐड करेंगे। और क्या कर सकते हैं आप चाहें तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने पानी ही डालना है, आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसको अगेन स्पीड 1 पे रख के आप मिक्स करेंगे। ये याद रखिएगा कि जब भी आपने मैदा डाल दिया, सारी चीज़ें डाल दी, तो स्पीड नंबर 1 पर रख के आपने बैटर को मिक्स करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें बैटर हमारा ऐसे तैयार हुआ है कि ये अभी ड्रॉप नहीं हो रहा। तो इसमें 1/4 कप पानी मैं और डाल रहा हूँ, तो इट्स मीन कि ये 1/2 कप मैंने इसमें डाल दिया है पानी। बस इसको आपने थोड़ा सा रनी रखना है, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारे पास बैटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, रेडी हो गया है। और इसको अब मैंने डन कर लिया है, ठीक है। और ये हमारे पास तैयार है अब सांचे में डालने के लिए। और ये देखें इतना आपके पास ये रनी होना चाहिए, ठीक है। ये देखें
चलिए ये बैटर हमारे पास तैयार हो गया। और अब हम ले लेंगे पैन, जिस भी पैन में आपने बेक करना है वो आप पैन ले लें। अच्छा, मेरे पास ये जो मोल्ड है वो आप देख रहे हैं बीज में से हॉलो है, ठीक है। तो ये वाला मोल्ड आपके पास है ये वाला ले लें, सादा कोई मोल्ड है सादा ले लें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि मोल्ड जो है वो आपका कौन सा होना चाहिए। हल्का सा इसमें हम क्या करेंगे, ऑयलिंग ऑयल ड्रॉप करेंगे और अच्छे से इसमें ऑयल लगा देंगे और ऊपर तक। चल ये हमने ब्रशिंग कर दी है ऑयल की और अब हम इसको ऐड करेंगे अपने सांचे में, ठीक है जी। और इसको फिर आप लेवल कर लीजिए, ठीक है। पूरे प्याले में आप इसको ड्रॉप कीजिए और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने इसको लेवल करना है। चलिए इस तरह से, अच्छे से प्याले को साफ कर लीजिए ताकि कोई भी बैटर जो है वो ना जाए, रह ना जाए। और अब इसको हम बस क्लियर करते हैं, इसको हम रखेंगे अवन में, ठीक है। और हर तरह के केक आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट रेसिपी होती है डिफरेंट केक्स की और डिफरेंट टेक्सचर होता है। अब अच्छा, अब मैं देखें ये इस तरह है, ठीक है। और अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये ऐसे ऊपर से इवन कर दूंगा, लाइक कहीं से ज़्यादा बैटर कहीं से कम ना हो, बल्कि इसको हम इवन कर देंगे, एक जैसा कर देंगे ताकि ये जब ये फूलेगा तो ये पे इवन फूले, एक जैसा फूले। चल ये हो गया डन। और अब क्या करते हैं, अब आपने करना है इसको टैप। अच्छा, अब इसको आपने रेडी कर लिया ताकि इसके अंदर जो एयर बबल हैं वो निकल जाए, ठीक है। एयर बबल निकल जाए उसके बाद ये सेट हो गया। अब इसको हम रखेंगे अपने अवन में। तो चलिए यहाँ पर अब अवन में चलते हैं। और फोटाइल का अवन हमने प्री हीट के लिए ऑन कर दिया था और ये प्री हीट हो चुका है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास जो अवन है ये कन्वेंशन आप कह लें कि इसमें फ़ैन लगा हुआ होता है, तो ये इसका रिज़ल्ट थोड़ा फास्ट होता है, तो मैंने इसको टाइम दे दिया है तकरीबन 20 मिनट्स। और गैस अवन में जब आप इसको बनाएंगे तो गैस अवन में आप इसको टाइम देंगे तकरीबन 30 मिनट्स ये लेगा। अगर आपका गैस अवन का टेम्परेचर वगैरह सही है तो परफेक्ट है, तो ये तकरीबन 20 मिनट्स लेगा और 20 मिनट्स में ये तैयार हो जाएगा। तो और बहुत ज़्यादा अगर आपका थोड़ा सा प्रेशर सही नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ये तकरीबन 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की पहली रेसिपी जो कि हमने रेडी कर ली है। और आप हमें क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और अब हम आएंगे अपनी सेकेंड रेसिपी की जानेब, तो हमारे पास, और उसके अलावा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे पास रेसिपी कार्ड मौजूद है आप लोगों के लिए। आप लोग नोट कर लीजिए इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि बेकिंग में सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि प्रॉब्लम आती है अगर, तो वो अगर मेजरमेंट्स आपकी सही नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आएंगी। तो मेजरमेंट्स आपकी बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट होनी चाहिए। और हमेशा मैं कहता हूँ कि एक कोई भी आप मेजरिंग कप्स ले लें और उन्हीं से सारी चीज़ों को मेजर किया करें, ठीक है। तो बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए और आपकी चीज़ भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पर अब हम आ रहे हैं अपनी सेकंड रेसिपी की जानेब, उसके इंग्रेडिएंट्स में आपको बताता हूँ।
अच्छा जी, सेकंड रेसिपी जो हमारी है वो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मिक्स वेजिटेबल। और मिक्स वेजिटेबल में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? वेजिटेबल्स में जो आपको आपकी चॉइस है वो आप ले लें। मैं इस वक्त गाजर ले रहा हूँ, फूल गोभी है, बंद गोभी है, ठीक है, उसके साथ आलू हैं और उसके साथ मटर है, हरी प्याज है। ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करनी है। और उसके साथ साथ जो है आप चाहें तो इसमें कोई और वेजिटेबल जो आपको पसंद है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तमाम सब्ज़ी को थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी अगर थोड़े बहुत भी जम्प्स हैं तो वो निकल जाए। चलिए, और ये हरी प्याज इसको भी ज़रा वॉश कर लेंगे। चलिए, सारी चीज़ों को हमने वॉश कर लिया है और अब इसको, चलिए अब हम इसको कट कर लेंगे। अब ये है कि हमारे पास ज़रा सेफ हो गए हम कि जी हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल नीट हैं, ठीक है। चलिए, इसको अब हमने, आप किसी भी स्टाइल में कट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लाइक इसको आप कह लें कि कोई ख़ास इसकी शेप में नहीं काटना, किसी भी स्टाइल में आप इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं रफली यूज़ करूँगा, कट करूँगा, ठीक है, और आप कह लें कि क्यूब्स में कर लेते हैं लेकिन रफ़ करेंगे, कोई एक साइज़ की या उस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी रफली सी हम ये वेजिटेबल आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको आप टर्न कर लें, बस बाइट साइज़ छोटी साइज़ की रखनी है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की आपने नहीं रखनी, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने बेल पेपर चॉप कर लिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से बाउल में डालते जाते हैं। उसके बाद अब हम ले लेते हैं जनाब गाजर। अच्छा, गाजर क्योंकि आपको पता है सीज़न ऑफ हो गया है, तो अब ये फ्रोज़न गाजर हैं और इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी इसको पील कर लीजिए और उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे, और इसको भी हमें रफली कट करना है। और इसको अब हम तीन हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम चार हिस्सों में कन्वर्ट कर देंगे। छोटे साइज में हैं तो आप दो में कर लें, अदरवाइज चार में कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद बस इसको आपने छोटे छोटे से इसके भी चंक्स कर लें। चलिए, चंक्स कर लिए, ठीक है। और आपको पता है कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं लाइक चाइनीज़ है, जापनीज़, उसमें ज़्यादातर जो टाइम टेकिंग चीज़ है वो चॉपिंग ही है, अदरवाइज़ कुकिंग आपको पता है बहुत जल्दी हो जाती है। और क्योंकि वेजिटेबल्स को पूरी तरह से कुक नहीं करते, लाइक थोड़ा सा उसको आप कह लें कि हार्ड रखते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या, ताकि उसकी ग़िज़ाइत भी बरकरार रहे। हमारे खानों में क्या होता है कि वो वेजिटेबल्स को हम इतना पका देते हैं कि उसकी ग़िज़ाइत तो ख़त्म हो ही जाती है, उसका कलर भी डैमेज हो जाता है। तो इस चीज़ का हमने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि हमारे कलर भी सही रहे। अच्छा, फूल गोभी, इसके आप छोटे छोटे से ये फूल निकाल लें और जो इसका वाइट पार्ट है वो आप उसको निकाल दें, अगर हार्ड है तो, और सिर्फ हमें इसके जो फूल हैं वो हमें चाहिए। चलिए, छोटे छोटे से हमने इसके फूल निकाल लिए और उसके बाद साथ साथ अपना काउंटर जो है वो उसको क्लीन करते जाइए।
अब बारी है हमारे पास आलू की, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे फूल गोभी, हमने यूज़ कर ली है। बारी है अब बंद गोभी यूज़ करने की। चलिए, और साथ ही हम एक काम कर लेते हैं, और वो ये कि यहाँ पर थोड़ा सा पानी हम लेके इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। और इसमें हम डालते हैं मटर, ठीक है, मटर डाल दिए हैं। उसके साथ थोड़े से हम आलूओं को भी क्या कर लेंगे, ब्लांच कर लेंगे, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जाहिर सी बात है टाइम का थोड़ा आप कह लें कि इशू होता है, आपको चीज़ को पूरी परफेक्ट दिखानी होती है। घर में आप जब करेंगे तो फिर ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसको क्या करेंगे, दम पे रखेंगे तो गल जाएगी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो इसका फाइनल रिज़ल्ट है वो दिखाऊं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। और हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है मुझे। क्या हाल है सर भाई आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी जी सर, खैरियत से, और माशाल्लाह से आज तो आप मिक्स वेजिटेबल्स बना रहे हैं। जी बिल्कुल। और चोको केक, तो ये मैं देख रही थी, बिल्कुल आपने जो कटिंग की है बिल्कुल क्यूब में की है आपने सब्जियों की। जी जी। और ये है कि अच्छा है, जो भी आप रेसिपी बताते हैं माशाल्लाह से इतनी परफेक्ट होती है, इतनी अच्छी होती है कि वो मतलब ये घर में तो हमारे इंग्रेडिएंट्स सब तकरीबन स्पाइस मौजूद होते हैं। जी जी। लेकिन आपकी जो कटिंग है ये भी सबसे तकरीबन अलग ही है। बस असल में हर चीज़ की एक अलग कटिंग है, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और मेरा मानना यह है कि कुकिंग को बहुत सिंपल वे में आसान तरीके से बनाया जाए ताकि आप सब घर में आराम से बनाएं। नहीं नहीं माशाल्लाह से आप इतनी अच्छी, घर में देखें सब्जियां वगैरह ये दाने वगैरह तो हर घर में मौजूद होती है, लेकिन बस ये जो पकाने का तरीका आप इतना अच्छा बताते हैं कि फौरन समझ में आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया। और दूसरे मैंने आपसे फरमाइश की थी असल भाई, ये रेशमी कबाब की, चिकन रेशमी कबाब की। चिकन रेशमी कबाब? जी जी, ठीक है, चलें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस वीक में, नहीं तो नेक्स्ट वीक में जरूर बता देंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पर हमारे पास मैंने क्या किया है, यहाँ पर आलू और जो मटर हैं उनको मैंने बॉयल होने रख दिया है थोड़ी देर के लिए, कवर कर देता हूँ ताकि ज़रा सही डन हो जाए ये अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर हमने बंद गोभी रेडी कर ली है, और अब हम ले लेंगे प्याज, ठीक है। अच्छा, हरी प्याज अगर आपके पास नहीं है तो डजन मैटर, आप क्या कर सकते हैं, आप हरी प्याज की जगह नॉर्मल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर हरी प्याज है तो बेहतर है। चलिए, ये हमने हरी प्याज और ग्रीन पार्ट दोनों हमने इसको डन कर लिए, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया रेडी। और अब हम ले लेते हैं, मैं लेता हूँ बड़ा पैन, और चलिए मैं फ्राई पैन लेता हूँ ताकि इसमें हम वेजिटेबल्स को डन कर सकें। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ पर इसको जो हम फ्लेवर दे रहे हैं, आपने देखा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास मौजूद है SAC का चिकन पाउडर, चिकन पाउडर डाल लीजिए, या फिर SAC का चिकन क्यूब भी मेरे पास मौजूद है, और चिकन क्यूब डालना चाहें तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, ये मेरे पास मौजूद है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप क्या लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1/4 कप ऑयल ले लिया है, ठीक है, 1/4 कप ऑयल में सबसे पहले मैं डालूँगा हरी मिर्च, कट लगा के तकरीबन 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हम डाल देंगे, 3 अदद हरी मिर्चों को कट लगा के मैंने डाल दिया है। और उसके बाद हम इसमें अब शामिल करेंगे इसके स्पाइसेस। स्पाइसेस में आपने देखा होगा इस रेसिपी कार्ड में भी सिर्फ काली मिर्च है, चिकन पाउडर है,
चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें पैक का ही हम यूज़ करें हिमालय सॉल्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें शुगर, तो शुगर भी मैं ले लेता हूँ। और तकरीबन एक चाय की चम्मच के करीब हमें इसमें चीनी चाहिए, ठीक है। बहुत डिफरेंट सी और मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी मिर्च के साथ ही अब मैं डाल रहा हूँ ये शिमला मिर्च, गाजर और उसके साथ फूल गोभी डाल दी है, बंद गोभी बिल्कुल एंड में हम डालेंगे। और दूसरी जानिब हमारे पास मटर और आलू हमने बॉयल होने रखे थे, जो कि आई गेस हो गए होंगे, थोड़ा सी अभी कसर बाकी है, थोड़ी सी देर के लिए और ढक देते हैं। और हमारे केक की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, ज़रा एक नज़र उस पर भी मारते हैं कि आया जो हमारा केक है वो फूल गया या नहीं फूला। अच्छा, बहुत सारे लोग एक अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि जी केक बहुत अच्छा फूल रहा होता है लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं तो वो बैठ जाता है। उसका ये है कि जब आपने केक को रखना है तो कम से कम भी आपने 15 मिनट आपने ओवन नहीं खोलना, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि केक आपका फूल रहा होता है जब आप ओवन खोलते हैं, ये देखिए, तो ओवन खोलते हैं तो हमारा केक डाउन हो जाता है, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अभी ये 10 से 12 मिनट इसको लगेंगे और हमारा टाइम तकरीबन अपने टाइम पे हो जाएगा। ये अब बारी है जनाब, इसमें हम डालेंगे बाकी की स्पाइसेस, तो स्पाइसेस डालते हैं। अच्छा, स्पाइसेस में सबसे पहले तो मैं डाल रहा हूँ इसमें SAC का नमक, पिंक हिमालय सॉल्ट, उसके बाद हम डालेंगे इसमें फ्रेश क्रश की हुई काली मिर्च, और आप इसमें चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको लिखवाई है। अगर लाइक आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद अब मैं इसमें डालूंगा ये चिकन पाउडर SAC का, हम शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और अब इसमें हम डालते हैं जनाब चिली सॉस, चिली सॉस के साथ ही सोया सॉस, और उसके साथ ही हम डालेंगे अब इसमें विनेगर। ठीक है, सोया सॉस डाला, सारी चीज़ें डाली, और अब इसमें हम डालेंगे ये शुगर, और उसके साथ हम ये डाल देंगे इसमें आलू, और उसके साथ मटर जो है जो हमने बॉईल किए हैं ये हम डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से, हरी प्याज और बंद गोभी ये ऐड करेंगे। चलिए जी, हरी प्याज और बंद गोभी ऐड की है, इसको मिक्स करके मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए अब इसको हम दम देंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसको फाइनल लुक भी दिखाएंगे। और कॉलर से बात करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सैयदा उलिया बात कर रही हूँ।
जी कहिए, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। रमजान के बाद आज आपका मिल गया। बिल्कुल जी जी और बहुत अच्छी आप बना रहे हैं केक। आपने बहुत इजी सा मेथड बताया है। बिल्कुल इंशाल्लाह इसको ट्राई करेंगे, जरूर ट्राई कीजिए। और कल जो आपका वो था बाटी दाल थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं सोची हूँ पहले जरा बाटी का इंतजाम करूँ। बाटी बहुत क्यूट थी। नहीं बाल्टी का आप जरूरी नहीं है, आप बाल्टी का इंतजाम करें, आप किसी में भी डाल लें उसको। अच्छा अच्छा लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी बाल्टी। वैसे आपको बोरी बाजार से भी मिल जाएगी, और बोरी बाजार में एक शॉप है जहाँ मेटल की चीजें मिलती हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी। अच्छा 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 ठीक है। और क्या कहते हैं असद भाई, हमने प्राइस भी किया था वो भी मिला नहीं। प्राइस आपको बिल्कुल मिल जाएगा, उसकी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तक मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और यहाँ पर जनाब क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए इसको हम पकाएंगे ढक के, और ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे फिर इसकी प्रेजेंटेशन और इसके बारे में आपके साथ बात कुछ चीज़ें और शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब्ज़ी जो है वो हो गई है तैयार। मिक्स सब्ज़ी हमने तैयार की है और उसमें आज हमने आपके लिए शामिल किए हैं जनाब फ्लेवर्स में, हमने नमक यूज़ किया है, ठीक है, उसके साथ हमने सैलानी का नमक यूज़ किया और उसके साथ काली मिर्च हमने यूज़ की, ठीक है, एस ए सी का हमने चिकन पाउडर यूज़ किया, और अब बारी है इसको प्रेजेंट करने की। तो यहाँ पर हमारे पास वेजिटेबल आप देख रहे हैं, खूबसूरत कलर आ गया है हमारी वेजिटेबल का। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि कोशिश करें कि वेजिटेबल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनको ओवर कुक ना करें, ठीक है, बस ये आपने कोशिश करनी है कि वेजिटेबल का कलर रहना चाहिए, परफेक्ट रहना चाहिए, पता चले कि आप किस कलर की सब्ज़ी, क्या कलर था, किस कलर की खा रहे हैं। ऐसा ना हो जैसे पालक है, पालक बेचारी मैं कहता हूँ पालक को, कि उसको इतना भूनते हैं कि वो हरे से काली हो जाती है, वो पता नहीं चल रहा होता कि पालक खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं। तो हमेशा याद रखें कि वेजिटेबल को ज़्यादा ओवरकुक ना करें। इसमें गाजर, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट खाने वाले लोग हैं तो वो फिर क्या करें कि गाजर को भी ब्लांच कर लें, ठीक है। इस वक्त गाजर जो है क्रंची है, ठीक है, इसमें आप कह लें कि आपको फील होगा क्रंच। जैसे मैंने कहा कि चाइनीज़ रेसिपीज़ में वेजिटेबल को ज़्यादा नहीं पकाते, सेम उसी तरह हमने रखी है और इसको भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। और अब हम ज़रा देखते हैं, अवन की तरफ चलते हैं और अपने केक को भी देखते हैं, उसको ज़रा चेक भी कर लेते हैं। और चेकिंग के लिए मैं चलें फोक से ही करता हूँ, आज मैं अपना टूल लाना भूल गया हूँ। ये देखिए जी, बेहतरीन सा हमारे पास केक तैयार हो रहा है और इसको आपने चेक करना है। ये देखिए, जब भी आप कोई भी स्टेक या कुछ डालेंगे आप देखें बिल्कुल क्लियर आ रहा है बाहर, तो इट्स मीन कि आपका केक हो गया है तैयार। और केक हमारे पास तैयार है, इसको अब हम डिश आउट करते हैं। चलिए अच्छा, और दूसरी चीज़ तो आप सब जानते ही हैं कि केक जब आपने डिश आउट करना है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट देना है, ठंडा होने देना है, और उसके बाद फिर आप इसको निकालिएगा। और मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा सा कोशिश करता हूँ कि मैं इसको निकाल के आपको दिखा सकूँ, और इसको टर्न करते हैं क्योंकि थोड़ा गर्म है। तो पहले मैं इसको, इसकी एजेस जो हैं उसको क्लियर करता हूँ, और बहुत सिंपल
वे में आपको मैंने केक बताया है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको आइसिंग भी बताएंगे किस तरह से डिफरेंट आइसिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जनाब क्रीमी केक कैसे बनाएंगे, चीज़ केक कैसे बनाएंगे, तो इन सब के लिए बस आपने हमारे साथ रहना है, और रोज़ाना शाम इसी टाइम आपसे मुलाकात होती है। अच्छा, इसको कोशिश कीजिएगा, मैं तो थोड़ा ज़बरदस्ती कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, लेकिन आप लोग घर में जब बनाएंगे तो ज़्यादा ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जनाब इसको उठाते हैं, और ये देखिए हमारा केक तैयार है। रेसिपी कार्ड आप लोग ने देख लिया होगा, मैं इसको बिल्कुल कट करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई अंदर से कच्चा है या सख्त हो गया है कैसा है। तो मैं आपके लिए बिल्कुल पीस भी काटता हूँ। नाइफ को ज़रा सा हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपके लिए एक पीस कट कर रहा हूँ। सॉफ्टनेस आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है, ये देखें इजीली कट गया है, बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखें। और ये देखिए सॉफ्टनेस आप देख रहे हैं, ये देखें ये सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट है और हर तरफ से डन हो चुका है, कुक है। और ये हमने आपके लिए बना दिया है ज़बरदस्त सा केक। और अभी भी जब हम शो कर रहे हैं तो ऐसे ही लगता है रमज़ान है, चखने का लगता है कि शायद रोज़ा है अभी तक। तो खैर, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी चीज़ आप बनाएं तो उसको चख ज़रूर लीजिए, चाहे वो बेकिंग में तो नहीं खैर, लेकिन आप कोई भी जब डिश बनाएं तो उसको आप चख ज़रूर लें ताकि उसमें नमक मिर्च वगैरह बिल्कुल सही हो, बैलेंस हो। चलिए जी, तो ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। और मैं पूछ लेता हूँ, टाइम है तो मैं रिकैप दे दूँ या फिर इजाज़त चाहें? चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं आपको रिकैप देता हूँ। इतनी मैं रिकैप भी दे रहा हूँ, साथ साथ आप डिश देखेंगे और रेसिपी कार्ड भी आपके लिए हम चला देंगे ताकि आप इंग्रेडिएंट्स भी नोट कर लें। अच्छा, सबसे पहले हम केक का दे देते हैं। केक के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले 2 अदद अंडों को हमने खूब अच्छे से फेंटा, बीट किया, और उसमें हमने डाल दी चीनी, ठीक है। 2 अदद अंडे, उसके साथ 1 कप चीनी हमने डाल दी, और 1/2 कप मक्खन या फिर ऑयल डाल देंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसमें डालेंगे 2 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर 2 चाय की चम्मच। उसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करेंगे और तकरीबन 1/2 कप के करीब दूध या पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे, और फिर पैन में इसको फिल करके और रख देंगे आप अवन में। 180 टेम्परेचर आपने देना है और इसको तकरीबन 25-30 मिनट्स में ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद वेजिटेबल हमने तैयार की है आप लोगों के लिए। वेजिटेबल के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऑयल लिया तकरीबन 1/4 कप, उसमें 3 अदद हरी मिर्चें डाल दी, हरी मिर्च के साथ थोड़ा सा उसको सौते किया, और फिर हमने उसमें हार्ड वेजिटेबल जिसमें मैंने गाजर, आलू और उसके साथ शिमला मिर्च, हमने आलू तो हमने बॉयल होने रख दिए थे, हमने गाजर और शिमला मिर्च डाली, टॉस किया, उसके बाद तमाम वेजिटेबल्स डाल के, और उसमें हमने सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, और आपके लिए रेसिपी कार्ड भी आ रहा है, और इसमें मैंने चिली पेस्ट भी लिखवाई है, अगर आप चिली पेस्ट थोड़ा सा स्पाइस चाह रहे हैं तो चिली पेस्ट भी डाल लीजिएगा। और उसको अच्छे से मिक्सअप किया, टॉस किया, और मटर और आलू जो हमने बॉयल करने रखे थे वो भी आपने डाल दिए, अच्छे से मिक्सअप करके, और इसको 5-8 मिनट दम दें, दम में ही ये क्या हो जाएगा, गल जाएंगे। और अगर आलू और मटर आपने सेपरेट नहीं उबालने तो आप इसको मिक्स करके दम देंगे तो दम में सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट गल जाएंगी। तो इस तरह से ये आपकी वेजिटेबल भी तैयार हो जाएगी और हमारा आज का केक भी तैयार है, और हम भी तैयार हैं अब आपके साथ आपसे इजाज़त लेने के लिए। चलिए जी, तो आपसे चाहेंगे इजाज़त, और यहाँ पर इसमें हमने यूज़ किया है चॉकलेट एसेंस, और यहाँ पर हमने यूज़ किया है जनाब ये
SAC का चिकन पाउडर, और चिकन पाउडर से बहुत ज़बरदस्त आपको फ्लेवर मिलता है, चिकन का फ्लेवर आपको मिलेगा। हालांकि इसमें चिकन नहीं डाली, लेकिन आपको चिकन फ्लेवर जो है वो मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें डाला है चिकन पाउडर। चलिए जी, स्क्रीन पर एंजॉय कीजिएगा आज की दोनों रेसिपीज़। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात, और कल भी आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, क्या हैं कल ही बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।